साल 2022 को अलविदा और नव वर्ष 2023 के स्वागत के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं साल के अंतिम दिनों में मंडला जिले के नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे, जहां उन्होंने टाइगर को नजदीक से देखकर उनका वीडियो भी बनाया। साल के अंतिम दिन और नए साल का स्वागत करने के लिए युवाओं पर्यटन स्थल सहित अन्य स्थानों पर घूमने निकल गए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा प्रदेश के मंडला जिले स्थित सुप्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिल रहा है, जहां ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर के सैलानियों ने सफारी में सवार होकर पार्क की सैर की और टाइगर और उनके शावकों की चहकदमी देखकर रोमांचित नजर आए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। नेशनल पार्क बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको तरह तरह के जानवर दिखेंगे। टाइगर हमें नहीं मिला, पर हमारे कुछ दोस्तों को जरूर दिखा है। वो व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं, बाहर तो खाने पीने का अरेंजमेंट है, इनका सारा अच्छा है। कान्हा का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अच्छा है, यहाँ पे रहने का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है और डेफिनेटली इट्स अ गुड डेस्टिनेशन टू कम। हम लोग कैनेडा से आए हैं, टोरंटो से। बहुत अच्छा था, थोड़ा ठंड था, बट देन यू नो मेडोज एंड स्टफ सब बहुत ब्यूटीफुल था। तो यहाँ टाइगर वगैरह दिखा? हमको तो नहीं दिखा, बट हमारे साथ जो एक और कार आया था उनको दिखा था। फैसिलिटीज भी अच्छी ही थी, लाइक जीप्स एंड स्टफ कंफर्टेबल ओनली। कैलकटा से हम लोग, तो इट वाज गुड अरेंजमेंट, अच्छा अरेंजमेंट था। जीप्स भी अच्छी हैं और इवन गाइड भी अच्छा मिला है, प्लान करा, गाइड भी अच्छा है, सब अच्छा है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।